अस्सलामुअलैकुम सामीन, 23 ज़िलक़ादा और 13 जून है। ख़बर का उन्वान है, सूबा बिहार में सियासी खेल शुरू हो गया है। ज़ाहिर सी बात है 2024 की आमद आमद है, पूरे मुल्क में सियासी उथल पुथल जारी है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, पार्टी तोड़ना, पार्टी में शामिल होना यह आम बात होती जा रही है। इसी के चलते आज अभी कुछ देर पहले रियासत बिहार में महागठबंधन में दरार पैदा हो गई है। वहाँ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार की वजारत में ये वजीर थे, अकलियती उमूर के वजीर थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार में ये अकलियती उमूर के वजीर थे। संतोष कुमार ने कहा कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे हम अपनी पार्टी ख़त्म कर दें और नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाएं, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। उनसे पूछा गया क्या आप बीजेपी में जाएंगे, का ये सवाल अलग है, लेकिन हम अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हैं। उधर पता चला है कि नीतीश कुमार जो महागठबंधन की रैली कर रहे हैं उसमें चेतन को दावतनामा नहीं दिया गया, वो इसलिए नाराज़ हैं। बहरहाल बिहार में जहाँ एक तरफ इत्तेहादी कोशिश हो रही है, वहीं उथल पुथल भी शुरू है।